खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। लचितपुर ब्लॉक करबी, करबी का यह शंकर गंज है, वार्ड नंबर 8। तो यहाँ पे 7 तारीख को लड़ाई हुई थी। तो इनका कहना है, लड़ाई का कारण है कि सुंदर के खेत में माता बता रहे हैं कि चोरी घर घुस गई थी, तो उनके पूरा फसल नुकसान कर दिए थे। तो उनको मना करने से दोनों पक्ष में मारपीट हुई, लड़ाई हुई है। तो कौन लोग मारे हैं, कौन से खाटी हैं? चोर ऊं भी पाले हैं, ये बात नहीं है। चोर जानवर ऊं भी पाले हैं, मगर यह है कि उनके कुछ खेती बाड़ी है, तो उनके खेती में गई तो दूसरे का गाड़ी को जो करते हैं, जब उनके जानवर खाते हैं दूसरे के, तो उनसे कोई मतलब नहीं। सगली बाजार पर हैं, जितना जानवर उनके है उतना हमारे बिरादर के नहीं है, मतलब जमादारन के जानवर नहीं उतना जितना उनके पास। कितने लोग मारे हैं, उनका नाम बताइए थोड़े। अब नाम उसमें सुंदर रहा है, सुंदर के 2 लड़के रहे हैं और 2 भतीजे रहे हैं, एक भतीजा का लड़का नाती रहा। तो क्या खपड़ी में कितना लग गया है? खपड़ी में ऐसे भी फटी है, पहले ऐसे फटी है, फिर ऐसे फटी है। तो टांका लगे हैं? हाँ, टांका लगे हैं, 14-15 टांके लगे हैं, काफी फटे। तो क्या हमेशा होती थी लड़ाई? ना, पहली बार हुई है। तो चौवा उनका आ रहा था आपके खेत में, कितने बीघा आप बोए हैं? 3 बीघा। क्या बोए उसने? गेहूँ 3 बीघा, 1 बीघा। कितना नुकसान हुआ था? अब पूरे गेहूँ खाद रहे हम, क्या कितना होता था? तो कितनी चोटें आई है आपके पक्ष को? अपना हमारे पक्ष को करीब 4 जन की चोटें आई हैं। का आप लोग थाना में रिपोर्ट किए? हाँ, रिपोर्ट कर चुके। तो क्या हुआ अभी तक? हम बोलते हैं केस लग गया है 323 और 504, 506 मारपीट का। तो फिर आप लोग आगे कार्रवाई कुछ किए? कार्रवाई ये भाई की वो भी रपट कर दिया। हम आप सीजीएसी में रहे तो लड़का गजाल को रहे ना ढंग के, अब वहीं से आना, वहीं जो है तो सब कुछ रहे, वहीं का जो है तो घायल रहे, तो जल्दी पहुंच नहीं पाए। फिर दूसरे रोज जो है तो रिपोर्ट को किया धम से धम, और नहीं वैसे उनकी रिपोर्ट आगे हो गई। तो कस्बा इंचार्ज से मोहम्मद से बात हुई है, तो उनका कहना है कि दोनों पक्ष के लड़ाई में चोट आई थी और उनके मुकदमा दोनों पक्ष लिख गई है, अभी जांच चल रही है, आगे कार्रवाई करेंगे। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।